हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वॉइस के पार्ट टू में। तो डियर, जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि वॉइस की बेस के जो भी हमारी जानकारी थी वो मैंने आपको एक रिविजनल सेशन के रूप में आपके साथ शेयर करी थी। और ये जो पूरा सेशन है हमारा डियर, ये पूरा रिविजनल बेस है क्योंकि आपके एग्जाम्स आने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट अपने पास अब टाइम नहीं बचा है। तो इसलिए अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बस रिविजन टाइप का चल रहा है, तो बिल्कुल उसको देखो और एग्जाम देने बिल्कुल पहुँच जाओ, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस में किन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लगवा रही हूँ जिससे कि आपके जो बेसिक्स हैं वो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएं एक रिवीजन में। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको वो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है वो उस पैटर्न पर आ जाएं, ठीक है। तो आप वहाँ पे गलती ना करो, एरर वाली आए क्वेश्चंस या फिर नॉर्मल आए तो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो जो है डियर वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो, डली हुई है। इसका ये जो आज का सेशन है वो एक तरीके से पार्ट टू है हमारी प्रीवियस क्लास का, ठीक है। तो अगर वो बोले कि द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम, तो सबसे पहले आपको पहचानना है, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहचाना। और पहचानने का मतलब ये है डियर कि आपको ये पहचानना है कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो हेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो जब भी पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल आएगा तो हम क्या करेंगे, हम परफेक्ट वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हम उसका पैसिव बनाने के लिए उसमें बीन ऐड कर देंगे। तो देखो आपने सबसे पहले देखा कि भाई पास्ट परफेक्ट में तो हेड ही लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो सबसे पहले तो जो नहीं लगता उन्हें हटाओ, वॉज नहीं आता, हैज नहीं आता। अब देखो हेड भी दिख रहा है, बीन भी दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। हो सकता है कि इस ऑप्शन में थोड़ी बहुत कुछ गलती हो, तो ऐसा नहीं कि हेड बीन देखते ही आप बिल्कुल कूद पड़ो, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो हो सकता है कि ऊपर कुछ गड़बड़ हो। अगर हुई तो नन ऑफ दीज कर देंगे, नहीं हुई तो फिर हमारा आंसर बी है ही सही। तो देखो डियर, हिम जो है आगे आके ही बनेगा, ही के बाद अपन ने हेड लगाया प्लस बीन लगाया, एग्जामिन्ड थर्ड फॉर्म होती है, डॉक्टर के साथ लगाया अपन ने बाय द डॉक्टर, कुछ भी गलती नहीं है। तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई सॉ अ स्नेक, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डियर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल है। किसी का भी सिंपल बनाओगे तो क्या करोगे, उसके कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को कॉल करोगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लगता है। इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब ऑप्शन दो बचे हैं आपके पास, एक और एक दो। अब देखो आई है तो आई पीछे जाके बाय मी बनेगा, ना कि बाय अस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही है। जितने भी व्यूअर्स इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं आज, वो पहली बार जुड़े हुए हैं, तो डियर अगर आप इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हो तो इसका पार्ट वन देख लो, उसी के बाद आपको समझ में आएगा कि अब एक्चुअली मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ से आप बिल्कुल इस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे अगर आपने मेरा इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो। इसके अलावा डियर जो 9th क्वेश्चन है, आई वॉज मेकिंग अ प्लान, तो ये वॉज और वर्ब में ING है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन हमको चाहिए पड़ेगा फिर बींग, ठीक है। तो यहाँ पे से वॉज है हटा दो, हैज को हटा दो, इज हटा दो, क्योंकि हमको तो वॉज वर्ड चाहिए। अब आपके पास दो हैं, लेकिन इसमें बींग नहीं है, इसमें बींग है, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दे हेल्प हर। डियर हेल्प जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल है तो आप इसके कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को कॉल करोगे, यानी कि जब भी आप किसी का सिंपल का वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे, तो उसी टेंस की आपको जो कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है, जैसे कि मैंने आपको कल बहुत अच्छे से सिखाया था। तो यहाँ देखो प्रेजेंट सिंपल में इज आता है, ना तो हेड आता है, ना हैज आता है, ना है वॉज आता है, तो सीधे ही देखते से आंसर मिल गया कि शी इज हेल्प्ड बाय देम, इसका आंसर अपन को देखते से ही मिल गया। अपन ने कोई लॉजिक नहीं लगाया, अपन ने बस हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, वर है प्लस वर्ब में ING है, दैट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है,
सो माय डियर लर्नर्स, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी कॉन्टिन्यूस वाला एग्जाम्पल आएगा तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब हम कॉपी कर देंगे, लेकिन बस हम क्या करेंगे उसमें बीइंग ऐड कर देंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो वाज वर है तो हम वाज वर में ही खेलेंगे, तो हमको आर से कोई मतलब नहीं है, आर से कोई भी मतलब नहीं है। अब आप देखो कि यहाँ पे भी वर है, यहाँ पे भी वर है, लेकिन यहाँ पे बीइंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीइंग है। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। आई हैव नॉट टेस्टेड द फूड। अब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है डियर, यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। बार बार सिंपल निकल रहा है मुझसे, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। तो डियर जब भी किसी का परफेक्ट आएगा तो हम उसी की हेल्पिंग वर्ब को कॉपी करेंगे, लेकिन बस पैसिव बनाने के लिए हम उसमें बीन जोड़ देंगे। तो हैज हैव में ही खेलना पड़ेगा। सबसे पहले आपने देखा कि सब में ही हैज हैव लग रहा है, सबसे पहले तो मैं ऑप्शन नंबर बी को हटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीन है ही नहीं, जो कि मेरा मेन वो है पॉइंट है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में भी बीन नहीं है तो मैंने हटा दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचने हैं चुनने के लिए, डियर फूड के साथ मैं हैज लगाऊं या फूड के साथ मैं हैव लगाऊं। तो फूड अनकाउंटेबल होता है तो इसीलिए हम उसको अनकाउंटेबल लेंगे, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट होता है, इसलिए हम हैज लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, अभी भी कह रही हूँ कि जितने भी लर्नर्स ने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखो आप, क्योंकि उसी से आपको पल्ले पड़ेगा कि एक्चुअल में मैम ये इतनी जल्दी जल्दी में क्या करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। ही डिड नॉट रिंग द बेल। डियर डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, और आपको मालूम है कि डिड जो होता है वो पास्ट सिंपल में आता है, और अगर आप किसी भी सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपको उसी टेंस का जो कंटिन्यूस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। तो अगर मैं पास्ट की बात करूं डियर, कि मुझे पास्ट सिंपल का एग्जांपल दिया है, तो मुझे पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या फिर वर लगता है। तो सबसे पहले तो जिसमें वॉज वर नहीं है उसे पिक्चर से हटा दो। तीनों में ही नहीं है, किस्मत से सीधा ही आंसर मिल गया। इज आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, सीधा आंसर मिल गया, द बेल वॉज नॉट रंग बाय हिम। ओके, चल नेक्स्ट बताती हूँ आपको। आई डू नॉट यूज सोप। डियर डू या डज प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, ठीक है, डू या डज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में देखने को मिलते हैं, और जब भी किसी का सिंपल आता है तो हम उसके कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है, इज एम या फिर आर। तो आप देख लो यहाँ पे सोप के साथ एम तो वैसे भी नहीं लगेगा, साबुन एक ही है तो इज लगेगा। तो जहां पे इज लिखा है केवल वही आपका आंसर है, इन सबको पिक्चर से हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये था अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोप इज नॉट यूज्ड बाय मी। आई है तो पीछे जाके मी हो गया। आई नो योर फादर, ठीक है, अब डियर आई नो योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूं या जानती हूँ। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है डियर। और जब भी हम किसी सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसी टेंस की कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब को कॉल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगता है, तो ये हटा दो, ये हटा दो। अब दो बच्चे आपके पास, क्या करोगे? ठीक है, अब देखो डियर यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक बच्चा है टू मी, एक बच्चा है बाय मी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही रहेगा डियर? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नोन बाय मी कभी नहीं होता, नोन टू मी होता है। ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद करके जाना, जब भी नो वगैरह कुछ भी आएगा तो वो हमेशा टू के साथ जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स अभी मैं आपको ऐसे ही एडवांस बता दूंगी कि जब वो पेपर में मिलते हैं तो कभी भी बाय मी, बाय यू, बाय हिम, बाय हर मत करना, ठीक है, नोन टू हिम, ठीक है, नोन टू अस, नोन टू हर, ऐसे करना। तो यहाँ पे जो नोन वर्ड लिखा हुआ है डियर, ये नो की ही फॉर्म है, ठीक है, नो की फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो नो के साथ कभी भी बाय नहीं लगता, नो के बाद हमेशा टू लगता है। तो आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देख लो डियर, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन नो के साथ, नो यानी कि नोन के साथ में टू लगता है, ना कि बाय। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टिक्स अभी आगे बताऊंगी आपको। 16th, आई विल स्पेंड ऑल द मनी, मैं पूरे पैसे खर्च करूंगा। तो डियर यहाँ पे विल है, विल यानी कि विल चल आता है काय में, फ्यूचर सिंपल में।
तो मैं यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की बात कर रही हूँ। अगर आपको किसी सिंपल का पैसिव वॉइस बनाना है तो आप उसी टेंस के कंटिन्यूअस को कॉल करोगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता है विल बी और शैल बी से। तो जहाँ पे विल बी शैल बी दिखेंगे वही हमारा आंसर हो। बाकी सबको हटा दो, वॉस को हटा दो, इज को हटा दो। अब दो बचे डियर आपके पास, सिमिलर लग रहे हैं। एक में स्पेंट लिखा है, एक में स्पेंड लिखा है। तो डियर ये फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि थर्ड फॉर्म। तो स्पेंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए रहती है पैसिव वॉइस में। ऑलराइट, नेक्स्ट। शी वॉज टेकिंग मिल्क। डियर वॉज और वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, तो पैसिव वॉइस भी उसी में बनाएंगे, कंटिन्यूअस में बनाएंगे, लेकिन बींग लगा के। तो सबसे पहले बींग चारों में लग रहा है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का आंसर पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में ही देना पड़ेगा, वाज वर्ब में ही। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे दो बच रहे हैं डियर। मिल्क वॉज बींग टेकन बाय हर, ये गलती से सेम जो है ऑप्शन नंबर ए और डी सेम लिखा हो गया है, ठीक है। तो कोई इसमें इशू नहीं है डियर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपन डी मान के चलते हैं कि डी सही है, ठीक है। तो ये सेम हो गए हैं ए और डी, तो इसमें डी आंसर अपना सही है। ये दोनों सेम ही हो गए हैं, गलती से सेम हो गए हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही है। शी मिस्ड द चरण एक्सप्रेस। डियर मिस्ड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि मेरा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यानी कि वॉज या वर लगाओ। तो सीधे ही दिख रहा हैव नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। करेक्ट आंसर है डियर अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉज वाला, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगला क्वेश्चन है डियर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एम प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में ही आंसर देंगे, बट बींग लगा के। तो यहाँ पे डियर सबको ही पिक्चर से आउट कर दो, ये पास्ट में आता है, ये पास्ट में आता है, ये परफेक्ट में आता है, जबकि हमारा जो सेंटेंस है डियर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये रहा अपना आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको स्मार्टली खेलना है, किस तरीके से आप स्मार्टली वॉइस कर सकते हो। अब आप बिल्कुल प्रैक्टिस करो, आंखों से क्वेश्चन निपटाओगे। माई फ्रेंड इज हेल्पिंग मी, इज एम आर वर्ब में आई एन जी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में ही आंसर देंगे। तो सबको हटा दो, हेड हटा दो इस पिक्चर में से, हेड हटा दीजिए, हैव हटा दीजिए, वॉज हटा दीजिए। प्रेजेंट में एम आता है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना अगर चाहते हो कि पेपर में एक भी क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस है गलत ना हो। तो ध्यान रखो डियर कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस बनाने में कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो टेंस आप पढ़ रहे हो वही का वही एक्टिव वॉइस कहलाता है। लेकिन जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो जो एजेंट है, एजेंट का मतलब जो उसका कोर सब्जेक्ट है, उसका यूज तभी करना जब वाकई में उसका यूज किए बिना आपका काम ना हो पाए, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव का ऐसा दिया गया है जिसका जो मेन सब्जेक्ट है उसको भले ना भी लिखो तो भी काम चल जाए, तो भी अर्थ स्पष्ट हो, तो आप उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट को या उस एजेंट को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। मतलब आप उसे ना लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, तो भाई गिरफ्तार तो पुलिस करेगी, तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया, सिंपल बात है, मैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट, ऑब्वियसली डियर आपको अरेस्ट पुलिस करेगी। तो इस केस में आपको जरूरी नहीं है कि आप पैसिव वॉइस बनाते समय पुलिस लिखो, क्योंकि ये टू बी अंडरस्टूड है कि अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस का है, ठीक है। तो इस तरीके से डियर अगर कोई सेंटेंस मिल जाए उसका जो एजेंट है यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है, अगर आप देख लो कि इसके बिना हमारे सेंटेंस का मीनिंग नहीं हो पा रहा है पूरा, तो ही आप उसे एंड में बाय के साथ लिखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि टू बी अंडरस्टूड कंडीशन है, कॉमन सेंस वाली कंडीशन है कि हम इसके बिना भी अपनी बात को कह पा रहे हैं, तो आप उस सेंटेंस में पैसे बनाते समय आप उसके एजेंट को यानी कि सब्जेक्ट को हटा सकते हो। बहुत से पॉइंट्स आपने देखे होंगे जिसमें लास्ट में बाय मी नहीं लिखा रहता है, बाय हिम नहीं लिखा रहता है, बाय हर नहीं लिखा रहता। तो क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि वो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें बिना सब्जेक्ट के भी बात पूरी तरीके से समझी और समझाई जा सकती है, ठीक है।
दूसरी बार ये मैंने एग्जाम्पल लिख भी दिया है कि आई वी यू दे ही शी अ मैन अ बॉय, इस तरह के कुछ कुछ कभी कभी अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन इन्हें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बार डियर ये ध्यान रखना कि जब भी एक्टिव वॉइस में, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आपको इनमें से कुछ भी दिखे, ये दिखे चाहे ये दिखे चाहे ये दिखे चाहे ये दिखे चाहे ये दिखे, ठीक है, मतलब आपको सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कुछ भी दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, तो पैसिव वॉइस के साथ आप इनको रिमूव कर दोगे। मतलब जब आप इनका पैसिव बनाओगे तो आप उन्हें रिमूव कर दोगे, संबंध को बाय संबंध मत लिख देना एंड में ले जाके, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि जैसे एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा डियर मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि समवन हैज ब्रोकन द ग्लास, ये एक्टिव वॉइस है, सिंपली लिखा हुआ है समवन हैज ब्रोकन द ग्लास, किसी ने ग्लास तोड़ा है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, सिंपल बात कह रहे हैं, किसी ने ग्लास तोड़ा है। अब आप पैसिव बनाओगे इसका, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है तो परफेक्ट में ही जाएगा बीन लगा के, ठीक है। तो ग्लास को आगे ले जाओगे, सिंगुलर है तो हैज लगाओगे, बीन लगाओगे और ब्रोक ब्रेक ब्रोक ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लिखोगे। लेकिन डियर यहाँ पे समवन लिखा है तो आप यहाँ एंड में बाय समवन मत लिख देना, ठीक है, बाय समवन नहीं आएगा, बाय समबडी नहीं आएगा। ये मैंने आपको अभी हाली लास्ट उसमें स्लाइड में बताया था कि आपको अगर सेंटेंस में इनमें से कुछ भी दिखाई देता है तो आप उसको लास्ट में ले जाके स्किप कर देना, आप बाय के साथ इनको मत लिखना, ठीक है। तो ये वही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखो डियर, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है और ये कह रहा है कि वे लोग पुल की मरम्मत कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तुम तो मरम्मत करोगे नहीं या मैं तो मरम्मत करूंगी नहीं, मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग का काम किसका होगा, जो वर्कर्स होंगे। तो अगर डियर मैं इसको कन्वर्ट करूं पैसिव वॉइस में तो मैं द ब्रिज को आगे लेके जाऊंगी, द ब्रिज सिंगुलर है तो मैं इज लगाऊंगी, कंटिन्यूअस का है तो मैं बीइंग लगाऊंगी, और डियर मैं रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड कर दूंगी। लेकिन यकीन मानो मैं बाय देम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है डियर कि ब्रिज रिपेयर कौन कर रहा होगा। मैं बाय देम ना भी लिखूं तो अलग ही स्पष्ट हो रहा है कि जो वर्कर्स होंगे, जो मजदूर होंगे, वही ब्रिज को रिपेयर कर सकते हैं, आप या हम तो कर नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में डियर हम अगर इसमें एजेंट को गायब भी कर दें तो भी हम इसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पुलिस अरेस्टेड मी, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, ये डियर आपका एक्टिव वॉइस है, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट सिंपल है, तो जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस को कॉल करोगे, मी आगे आके हो जाएगा, आई आई के साथ लगता है, वॉज अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड होगी, लेकिन बाय पुलिस नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें अगर पुलिस ना भी लिखो तो अलग ही समझ में आ रहा है कि अरेस्ट करने का अधिकार केवल पुलिस का है। तो अगर आप एजेंट को गायब भी कर दो तो भी आपके सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। एवरीवन शुड स्पीक द ट्रूथ, डियर एवरीवन आ गया है, यूनिवर्सल बात है, बाय एवरीवन मत करिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, शुड लिखा हुआ है यानी कि ये आपका मॉडल बेस्ड हो गया है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मॉडल वाले आते हैं तो वो प्लस बी के साथ लगते हैं, जैसे कि कैन बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी, तो ऐसे ही आपने सिमिलरली वैसे कि वैसा शुड कॉपी किया, लेकिन बी के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है। एवरीवन है, लास्ट में बाय एवरीवन नहीं आएगा। इसके बाद डियर मैंने आपको जैसे अभी बताया था, अपन ने 14th या 13th एग्जाम्पल किया था जहां पे नोन आ रहा था, ठीक है, नोन टू मी, और एक में आ रहा था डियर नोन बाय मी, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि नोन जो होती है वो नो की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, तो नो के साथ कभी भी बाय नहीं आता, नो के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। तो हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्द आएंगे डियर आपके पास जिसमें आपको बाय नहीं लगाना, आपको बाय के प्लेस पे टू लगाना है, और वो शब्द तो कौन से होंगे डियर, वो शब्द होंगे लाइक हैप्पी, ठीक है, एंग्री, सरप्राइज, प्लीज, शॉक, इस तरह के कुछ शब्द होते हैं इंग्लिश में जिनके साथ हम कभी भी बाय नहीं लगाते, हैप्पी बाय मी नहीं लगाते, ठीक है, एंग्री बाय मी नहीं लगाते, सरप्राइज बाय मी नहीं लगाते। तो इन शब्दों को अच्छे से याद कर लो डियर, अगर पेपर का लेवल हाई हुआ भी तो इसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी, और इनके साथ एक ऑप्शन टू होगा, एक ऑप्शन बाय होगा,
बाय नहीं आएगा, इन सभी के लिए हमको टू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डियर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पैसिव बनाना है कोई भी सेंटेंस का, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, और अगर उसमें कोई प्रेपोजिशन आ रही है या फिर कोई एडवर्ब आ रहा है, तो डियर उसे गलती से भी छोड़ मत देना। प्रेपोजिशन भी लिखी जाएगी पैसिव वॉइस में, और एडवर्ब आ रहा है तो एडवर्ब भी लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में। गलती से भी इन्हें स्किप मत कर देना। आप ये मत सोचना कह रहा है पढ़ने में कि तटपटा लग रहा है, गलत है, वो गलत नहीं है डियर। आपको प्रिपोजिशन और एडवर्ब को स्किप नहीं करना है, आपको एज इट इज लिखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं दे स्पोक टू द मैन, चेंज इन टू पैसिव वॉइस, मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है दे स्पोक टू द मैन, तो डियर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और टू जो होती है वो आपकी प्रपोजिशन होती है। जितना आप लोगों को पता होगा कि टू जो होती है डियर वो अपनी प्रपोजिशन होती है, तो दे स्पोक टू द मैन, इसका पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस को कॉल करना ही पड़ेगा। द मैन आगे आ गया, सिंगुलर है तो वाज लगाया, स्पोक की थर्ड फॉर्म लगाई आपने स्पोकन। अब डियर गलती से भी टू मत भूल जाना, इसको एज इट इज छापना, और बाकी जो भी है फिर अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? लेकिन आप सोचो कि अरे यार जब तो देखना कितना अजीब लग रहा है, भद्दा लग रहा है स्पोकन टू बाय देम, तो आपको एक ऑप्शन तो ये भी मिलेगा उस सीरीज में, और आपको एक ऑप्शन एक ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें टू गायब होगा और केवल इतना लिखा होगा द मैन वॉज स्पोकन बाय देम। अब आपको कन्फ्यूजन होगा क्या टू बाय देम करें या बाय देम करें। आप सोचोगे कि टू बाय साथ में थोड़ी आते हैं, हमने तो कभी पढ़ी नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी में डियर गलत कर आओगे। लेकिन कभी भी प्रेपोजिशन को स्किप मत करना, वो ऐसे की ऐसी पेयर में नीचे लिखी जाएगी, ठीक है? एक और देखो, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, ठीक है? अब डियर इन भी आपको मालूम है कि एक प्रेपोजिशन का काम करती है इन, बहुत गौर से सेंटेंस को देखिएगा तभी समझ में आएगा कि कौन सी प्रेपोजिशन निकल गई, कौन सी फ्लो फ्लो वाली बातें निकल गई। तो डियर अपना ये जो एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हम परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बीन लगा के। तो हिज बेड को आगे ले आएंगे, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, तीसरे नंबर पर नॉट लगाएंगे, तुरंत बाद बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन स्लैप्ड के तुरंत बाद इन लगाएंगे और फिर लिखेंगे बाय हिम। ओके, ऐसे ही देख लो, ये एट वाला है, द डॉर्फ यानी कि जो बौने व्यक्ति होते हैं उनको डॉर्फ बोलते हैं, तो भाई ही लाव्ड एट द डॉर्फ मतलब लाइफ को, मतलब आपको पता ही, हंसना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि आपका डियर ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो कंटिन्यूस को कॉल करोगे वॉज के साथ में, थर्ड फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद एट भी लगाओगे और फिर लिखोगे बाय देम, सॉरी बाय हिम करिएगा, देम मत कीजिएगा, ही का पीछे जाके हिम हो जाता है, बाय हिम, ठीक है? तो डियर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये चीज़ें बहुत से लर्नर्स को पहले से पता नहीं होंगी जो हमने आज डिस्कस करी हैं। तो प्लीज़ डियर जब वॉइस के क्वेश्चंस करो तो इनका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलो डियर अच्छे से तैयारी करो, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखो, ये हमारा रिविजनल सेशन चल रहा है, मैं रिविजन करवा रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ला ला के यहाँ पे सर्व कर रही हूँ ताकि आप जैसी वीडियो देखें तो आपको एग्जाम में याद आ जाए, ठीक है? मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अच्छे से तैयारी करिए, ध्यान रखिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।